In an election between two candidates, 75% of the voter cast their votes. 75% ne cast kiya hai. Out of which, in may say, out of which 2% of the votes were declared invalid. 2% invalid okay. एक कैंडिडेट ने 9,261 वोट्स लिए जो के 25% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, और हमने टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताना है. अब हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन रोल्ड आर एक्स. ये हमने सपोज कर लिया कि एक्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स है. इसमें से कास्ट कितने हुए, 75% कास्ट देयर वोट्स. इसलिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ वोट कास्ट इज इक्वल टू 75% ऑफ एक्स. तो वैलिड वोट्स कितने होंगे, 90% ऑफ 75%, क्योंकि वैलिड वोट के लिए कहा कि 2% जो है वो इनवैलिड थे. तो अगर 2% इनवैलिड थे तो वैलिड कितने होंगे, 98%. 2% कम कर दें उसमें से, तो 98% ऑफ 75% ऑफ एक्स, यानी कि इसका 98%, क्योंकि इसमें से, इस वैल्यू में से 75% ऑफ एक्स में से 2% कम हो गया तो 98% बच गया. क्योंकि इसमें हर वैल्यू हम 100% कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका 2%, तो ये जो भी वैल्यू है इसका 2% का मतलब है बाकी बच गया आपके पास 98%. तो हमने कहा 98% ऑफ 75% ऑफ एक्स जो कि ये है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 98 over 100 मल्टीप्लाइड बाय 75 over 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये आपके पास वैलिड वोट्स आ गए. और हमें दिया गया है कि 75% ऑफ वैलिड वोट्स इज इक्वल टू 9261. तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं पूरी इक्वेशन को. तो ये पहले हम इसको यहाँ ले आए, और इसका 75% ऑफ वैलिड वोट्स, ये हमारे पास वैलिड वोट्स हैं जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किए थे. ये वैलिड वोट्स आ गए, इसका 75 इसके इक्वल है, तो इसके लिए 75% ऑफ दिस हमने इक्वल कर दिया कि 75% ऑफ वैलिड वोट्स इज इक्वल टू दिस. तो हमने वैलिड वोट्स का 75% इक्वल कर दिया 9,261 के. अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. एक्स को हम इधर ही छोड़ देंगे, बाकी सारी वैल्यूज दूसरे साइड पर चली जाएंगी, तो ये रिवर्स हो जाएंगी. ये हो गई 100 over 98 मल्टीप्लाइड बाई 100 over 75 और 100 over 75 मल्टीप्लाइड बाई 9261. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं, 4 over, ये 100 over 75 हो जाएगा 4 over 3, ये भी 4 over 3 हो जाएगा. और ये आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आपके पास आ जाएगा 16,800 जो के ऑप्शन ए में दिया गया है. इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए.